और वही सोनभद्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। ना ही मास्क है और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रचार के इन तस्वीरों को प्रत्याशी अपने फैंस बुक पेज पर भी शेयर कर रही हैं। सोनभद्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और इन तस्वीरों को देखकर सोनभद्र के लोग खौफजदा हैं। बढ़ते हुए कोरोना के मामले को लेकर सरकार चिंतित है और तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखी है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, दो गज की दूरी जरूरी है और लगातार सोशल मीडिया पर अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात पब्लिक को समझा रहे हैं। पब्लिक है कि मानती नहीं। कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ सोनभद्र में। पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, प्रत्याशी गांव गांव में जाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं, लेकिन इस कवायद में वो प्रत्याशी भूल गए कि सरकार ने भी कुछ कहा है। कोविड काल चल रहा है, तमाम मौतें सामने आ रही हैं, मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, लेकिन नेताजी हैं कि मान नहीं रहे हैं और कोविड 19 के का जो गाइडलाइन है, उसके जो प्रोटोकॉल हैं, लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बिना मास्क के वो लोगों को पहुँच रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसको लेकर सोनभद्र में अफरा तफरी का माहौल है। हमारे साथ सोनभद्र के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से नेताजी लोग अपने गांव में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोटो अपनी आईडी से फेसबुक पर उसको पोस्ट भी कर रहे हैं, उसको उस पोस्ट को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। सर, क्या नाम है आपका? जिस तरह से सरकार कोविड 19 का पालन करने के लिए लगातार बोल रही है और पंचायत चुनाव है, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे कि तमाम जो